ओए होए होए, हमारी दाल जो है डन हो गया, रेडी। आयमा जाने तो खाती नहीं है, आयमा की फेवरेट नहीं है दाल। तो देखो जो बंदा दाल खाएगा ना वो कहेगा दाल है ये हलीम है। बहुत मजेदार। बहुत मजे की है ना मैं तो रेसिपी कह रहा था मेरे। रेसिपी ना दो, बिजनेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली यू ऑल आर फाइन। कैसे आप सब लोग जी? वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली जी आज मैं आप लोगों को देने लगी हूँ दाल की रेसिपी। लेकिन उससे पहले जिन जिन लोगों ने अमारा फरहान के व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए आए हैं उनको वेलकम हो गया, बाकी सारे जितने नए लोग आए हैं वो सारे पुराने व्लॉग्स देखें। तो अभी जो है मैं आप लोगों को दाल की रेसिपी बताती हूँ। ये ऐसी रेसिपी है कि जो बंदा अपने घर में ट्राई करेगा ना, ये मैं गारंटी देती हूँ उसे लोग पूछेंगे एक बार कि ये दाल है या हलीम है। ठीक है, तो अभी जो ना हम लोग चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ दाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीजें वगैरह कट हुई हुई है मेरी और मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनानी है। हम लोगों को कुकर प्रेशर की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये चेक कर लो यार, ये मेरा राज है जिससे मेरा मुंह चमका हुआ नजर आता है, ये लाइट है जी। फरहान क्या कह रहे थे? क्या बना रही है? दाल रेसिपी दे रही जी, रेसिपी दे रही हूँ। दो ऐसे रेसिपी 4 लाख रुपए की थी, लेकिन आप लोगों से मुझे प्यार है तो मैं दे रही हूँ। क्या याद करोगे? क्या कहते नहीं करना? नहीं बिजनेस नहीं करना यार, ये लोग करेंगे बिजनेस जिनको रेसिपी दे रही हूँ। यार आप लोगों के शौहर आप लोगों को इस तरह तंग करते हैं, देखो मुझे फिरहान खाना नहीं बनाने देगा यार, प्लीज जाओ ना। क्या है आपका शोर आपसे प्यार करता है वो तो मुझे पता है मैं जान, लेकिन ये कि अभी प्लीज वीडियो बनाने दो। मैं दो दालों को मिक्स करती हूँ, लोग एक दाल बनाते हैं, लेकिन जो मेरी रेसिपी आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। देखें जी, ये है दाल मूंग और ये है हमारी मसूर की दाल। इन दो दालों को मैं मिक्स करती हूँ। अब मैं एक एक कप जितना जो है ना ले लेती हूँ और आपको रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नहीं बनानी, फिर जो है ना वो आपको पता जाया हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना दाल को भिगो के रखते हैं, मैंने अभी दाल को भिगोया नहीं है। मैं आप लोगों के सामने अभी फ्रेश वॉश करूंगी और उसके बाद इसको कुकर में चढ़ा दूं। इतनी क्वांटिटी इसकी होगी, ठीक है। मैं आज कम बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही, ये चेक करो ना। हम लोगों ने दाल को भिगो दी है, जब तक दाल हमारी भिगी हुई है मैं आप लोगों को बताती हूँ हम लोगों ने क्या डालना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जो है ना ये देखो, ये चीजें हम लोगों ने कट की हुई है, हम लोगों ने डाल ली है इसके अंदर प्याज। अच्छा, मैं प्याजों को ना बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करती, ना ही बहुत ज़्यादा पिंक करती हूँ, इसमें खुद ही ये गल जाते हैं। सबसे पहले हम प्याज डाल लेंगे, हल्का हल्का इसको सॉटे करेंगे, हल्का हल्का, ज़्यादा ना पिंक करना है ना ब्राउन करना है। इसके अंदर हम लोग डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरा बना हुआ है ये 1 चम्मच जो है ना, मैं 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं प्याजों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करती, वरना बिल्कुल दाल जो है ना ब्लैक बनेगी। आप लोगों ने इस रेसिपी से बनानी है, अगर आप लोग कुकर में बना रहे हो। अगर आप लोग कुकर में नहीं बना रहे हो तो आप लोग इसको कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं कर रही ज्यादा, क्योंकि ये कुकर में खुद ही गल जाएंगे। डाल देंगे नेक्स्ट टाइम, सब चीजें फौरन फौरन डाल देनी है। साथ ही मैं सब्ज मिर्च डाल दूंगी इसके अंदर, पहले ही प्याज भी डालनी है, टमाटर भी डालनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाली है और सब्ज मिर्च भी डाल दी है। 1 टीस्पून में 1 चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर के नमक का डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जो है ना हल्दी का डाल रही हूँ। सिर्फ अभी हमने 3 मसाले डाले, ये देखो ये रेड रेड टाइप हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो दाल मैंने भिगोई थी, अगर आप लोग उसको ज़्यादा देर भिगोगे तो आप लोग 5 मिनट के लिए कुकर चलाओगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर नहीं भिगोगे तो आप लोग इसको 10 मिनट के लिए हम चलाएंगे। पानी भी मैंने भरा हुआ है इसके अंदर, ये मैं इसके साथ डाल दूँ। अच्छा, अभी भी ना पानी थोड़ा सा कम है, ये दाल फौरन बहुत ज़्यादा पानी लेती है, तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी इसके अंदर, 1 कप जितना मैं पानी और डाल दूँगा। बस करेंगे कुकर को कर देंगे बंद। बंद तो आपको पता है तरीका, हर बंदे को आता है कुकर बंद करने का। ये जी इसके ऊपर रख देंगे सिटी, अच्छे बनेगा ये, चलेगी जब ये, अभी नहीं हमने टाइम नोट करना, जब ये चलेगी ना तो 7 मिनट्स का मैं अभी टाइम दे रही हूँ, 7 मिनट के बाद ये ना दाल लग जाए फौरन से। कौन सी सिटी है जो लड़के लड़के को मारते हैं? अस्तगफिरुल्लाह यार, ये हमारी कुकर प्रेशर की कमाल सिटी है, ज्यादा बातें ना करो, ये बॉम्ब है बॉम्ब, आपको पता है ये हम लोग 7 मिनट तक सिटी ऐसे चलेगी तो फिर उसके बाद कुकर बंद करेंगे। खुल गया खुल गया खुल गया, अब देखते हैं दाल हमारी गली है या नहीं। ओके, ये देखो अभी ना टमाटर वगैरह सब कुछ इसमें नजर आ रहा है। आप लोग कहोगे ये कैसे हमारा ने रेसिपी बताई, हमने तो खोला, टमाटर भी नजर आ रहे हैं सब कुछ। अभी हम 2 मिनट के लिए जब हम इसको इस तरह से चम्मच वगैरह मारेंगे ना, ये टमाटर भी गल गए हैं, प्याज भी गल गए, इसमें नजर ही नहीं आएंगे कि हम लोगों ने कहाँ गए हैं टमाटर प्याज। अच्छा जी, अब देखो एंड में हम लोग 1 चम्मच 1 टीस्पून है भर के मैं काली मिर्च का डाल रही हूँ,
ठीक है। और इसके अंदर मैं गरम मसाला ज़्यादा डालती हूँ, स्पाइसी बनानी है हम लोगों ने। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और आधा और 1.5 डालना है, 1.5, ताकि ये सही स्पाइसी बने। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, ये देखो, अब देखो हल्का हल्का ब्लैक और इस तरह से टेस्ट आ रहा है। अच्छा, आप लोगों ने ना एंड में टेस्ट लाजमी करना है कि नमक कम तो नहीं, अगर नमक कम होगा तो हस्बे जायका फिर आप लोग और ऐड कर सकते हो, लेकिन एहतियातन हमने पहले 1 चम्मच ही डालना है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक पैन में ऑयल ले लेना है। अगर आप लोग देसी घी लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर देसी घी नहीं है तो उसके अंदर आपने, चला रही हूँ लेकिन मुझे आइडिया है, 2 टीस्पून जितना आप लोगों ने जीरा डाल देना है। कड़ी पत्ता होता है ये हम लोगों ने 2 डाल देंगे इस ऑयल में, और बाकी जी हम लोगों ने ये वाली जो मिर्चें होती है ना ये डाल देनी है 8-10। सिर्फ हम लोगों ने इसके तड़का देने के लिए लगाना है, और इसका क्या टेस्ट आएगा। मैंने कहा था थोड़ी बनेगी, फिर भी बहुत ज़्यादा बन गई है। ये हम लोगों ने ऐड कर लिया। आसिया तुम लेके जाओगी दाल? हाँ जी जरूर लेके जाऊंगी। अच्छा, सारे ही मेरे दाल की रेसिपी की जो है ना फैन हो गया। इधर से हम लोगों का तड़का भी ऑलमोस्ट हो गया है, और आप देखो कि इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है, बाकी जब तक हम चीज़ें समेट देते हैं ये वॉश हो जाएंगे। हम लोगों का तड़का ऑलमोस्ट डन हो गया, जीरा भी हल्का हल्का सब हो गया है, बहुत ब्लैक नहीं करना, हल्का हल्का सा करना। मैं इसके ऊपर डालूंगी, आप देखना। ओए होए होए, हमारी दाल जो है डन हो गया रेडी। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड कर लेनी है, अगर ऑयल अभी लग रहा है बहुत ज़्यादा, इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, दिखाओ ज़रा चम्मच। ने इसके अंदर गार्निशिंग कर देंगे, ये चेक करो। अच्छा जी गाइज, फाइनली जो है ना मेरी दाल बन गई है, ऐसी कमाल दाल। मियाँ सबसे पहले कौन एहतमाम करेगा? मैं, आप? चलो और डाल देती हूँ। आयमा जाने तो खाती नहीं है, आयमा की फेवरेट नहीं है दाल। तो देखो जो बंदा दाल खाएगा ना वो कहेगा दाल है ये हलीम है। ये आप लोग देख लो, बहुत ही कमाल स्पाइसी। यार जिस दिन मियाँ पे गुस्सा है ना, सारी मिर्चें मियाँ की प्लेट में डाल दिया करो तुम लोग, ये लो ये ना। और हमें गुस्सा करे फ्रां, हाँ हाँ मुझे पता है आप सुन रहे हो। ये लो फ्रांस सब्ज़ मिर्चें डाल दूँ? हाँ ओके। हल्का सा ना ऑयल भी डाल देते हैं मियाँ, हल्का सा, ठीक है। अगर देसी घी आप लोग डालोगे तो और अच्छा होगा। अब अपने प्यारे हाथों से मैं अपने मियाँ को दे रही हूँ, ये लो मियाँ खाओ दाल, सूप भी बन गया। बताना कैसी है यार, अभी खाई है नहीं? ओए यार क्या खाई है ना, पहले तो खाई भी है, लेकिन ये बताओ कि वैसी बनी है या नहीं बनी है। आज मैं सही स्पाइसी डाली है। कैसी है वाकई? बहुत मजेदार, बहुत मजे की है ना रेसिपी। मैंने रेसिपी ना दो बिजनेस करते हैं। अच्छा रेसिपी मैंने दे दी है, भेजा ना वाइस फूड में तो बहुत प्यारे लगे। मैंने जो ना, मुझे तो खिलाओ, मुझे तो खिलाओ। मैं हर बेटा डाइटिंग ही है ये, बस कर दो डाइटिंग। एक तो इधर से व्यूअर्स पीछे पड़ गए, इधर से मेरी बेटी पीछे। कमाल मज़ा आ गया। अच्छा मैंने जो है ना नमक और नहीं डाला, इतना सही था, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि नमक कम है या ज़्यादा है तो आप लोग डाल सकते हो। इतना मज़ा आएगा कि आप लोग कहोगे कि वाकई हमारा छा गई हो। जो चीज़ मेरी बेस्ट होती है ना मैं वो यूट्यूब पे आके बताती हूँ। आपको पता है कि नॉर्मली मेरे घर में हर किसी के घर में डेली खाना बनता है, लेकिन मैं खानों की रेसिपी नहीं देती। जिस चीज़ में मैं बहुत परफेक्ट ना वो आके मैं आपको देती हूँ। अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये ट्राई करो, ठीक है, सेम ऐसे बनाओ। अब कोई भी बंदा कहे कि कुकर में नहीं बनानी या नहीं, मुझे कुकर के बगैर का आइडिया नहीं है कि कितना देर रखना है। मैंने आप लोगों को बताया मैंने 7 मिनट लगाया है, और ना मैंने इसको भिगोया था, और हर चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। अगर आप लोग इसको भिगोगे तो आप लोग इससे कम भी कर सकते हो, वैसे 7 मिनट सही होते हैं, परफेक्ट होते हैं। और ये 2 दालों को मिलाने का इतना मज़ा आता है, अकेले बनाओगे तो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, इन दोनों को मिलाओगे तो बहुत फिट बनेगी। तो ट्राई करो, और मुझे लाजमी इस वीडियो के नीचे कमेंट आने चाहिए कि हमारा हमने वीडियो ये बनाई थी। और फिर आप लोग अपने घर वालों को खिलाओ, घर वालों को रेसिपी नहीं देनी, उन सबको कहना कि हमारा फरहान की वीडियो देखो, वहाँ से रेसिपी मिलेगी। ठीक है जी, लव यू, हो गया, दुआ में याद रखेंगे, आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।